जोहर संगवारी हो, मोर ब्लॉग में अपन के स्वागत है। आज हम लइका मन साथ में लइका मतलब कुछ कुछ जानकारी देते हैं थोड़ा थोड़ा कि आज का कौन सा दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाँ, तो संविधान दिवस के रूप में आज ना मनाया जाता है। आज 26 नवंबर काक से खास है, ओला थोड़ा बात करते हैं, लइका मतलब भी थोड़ा थोड़ा जानकारी देबो। तो 26 नवंबर जो है दो कारण से खास है। तो 26 नवंबर 1949 के जो है हमारे संविधान जो बने रही से संविधान ला अपनाएगी से, और जो है 26 जनवरी के जो है संविधान ला लागू कर दी से, और 26 जनवरी के हम कौन से दिवस, हाँ तो 26 नवंबर के हम संविधान दिवस मनाथन और 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस मनाथन, है ना। तो दो चीज और ये चीज तो हो गए। अब संविधान गणतंत्र दिवस काबर मनाते हैं, काबर की जो है ये दिन संविधान ला नवंबर जो है दो कारण से खास है। काबर की आज जो है 26 नवंबर के संविधान ला अपनाए गई से, 26 नवंबर जो है और काबर खास है, काबर की मुंबई हमला के बारे में सब सुने होंगे। मुंबई हमला में जितने भी लोगन मन मारी गई से वो मतलब विनम्र श्रद्धांजलि। और बात कर लें थोड़ा से कि संविधान जो है भारत के संविधान जो है काफी लंबा हस्तलिखित बात करें एक बारे में, तो एकर जो संविधान समिति के जो मसौदा संविधान मसौदा समिति के जो अध्यक्ष रही से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी रही से। और संविधान दिवस कब ले मनाया जाता है, 2015 ले जो है संविधान दिवस मनाए के जो है स्टार्ट हो रही से। और भारत सरकार जो है वही टाइम ले जब जे टाइम में 2015 जो रही से भीमराव अम्बेडकर जी के 125वीं जयंती के रूप में मनाया जाती रही से, तो वही टाइम ले जो है 2015 से भारत में संविधान दिवस के रूप में जो है 26 नवंबर। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के फोटो देखे हो ना, कहाँ देखे हो, बुक माँ, कौन से बुक माँ, तो वही जो भीमराव अम्बेडकर जो है संविधान के निर्माण कर रही से। जो भीमराव अम्बेडकर जी एक नीची जाति के रही से, जिला छुआ छूत के नाम से ओला हर चीज के लिए तिरस्कार ही मिले, लेकिन वही जो आदमी है वो एक ऐसे संविधान लिख दी से जी हाँ सब मतलब ऊंच नीच के जो भेदभाव खत्म करे पर काफी सारा प्रयास करी से। अपन ओकर एक सीरियल भी देखे हूँ और बतान भीमराव अम्बेडकर के जन्म दिवस के बारे में, तो भीमराव अम्बेडकर के जो जन्म हो रही से 14 अप्रैल 1891 में हो रही से। और बात करें भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में तो काफ़ी सारा, लगभग बोला वह 64 विषय में मास्टर रही से, लगभग 9 भाषा के वो जानकार रही से। और थोड़ा आगे बढ़न तो संविधान के बारे में, तो संविधान में आप देखिए 24 जनवरी के जो है 284 जो सदस्य रही से वो में हस्ताक्षर करी से, और 26 जनवरी जो 1950 के वह लागू हो गए। और थोड़ा बात करें तो और जानबो तो संविधान जो है वो लिखित रूप में है, मुद्रित नहीं रही से। और इला जो लिखे रही से नारायण राय जादा जी जो है, और हमार जो लिखित संविधान जो है वो हिंदी और अंग्रेजी में लिखे गए रही से। लगभग जो ये संविधान जो लिखे गए रही से वो चर्म पत्र में लिखे गए रही से। वो कर पन्ना के बारे में बात करें तो 16 इंच जो है चौड़ा रही से और 22 इंच लंबा रही से। और एक बारे में थोड़ा बात करें तो आगे कि संविधान जो है सबसे लंबा, ये विश्व के सबसे लंबा लिखित संविधान माने जाते हैं। और संविधान के बारे में लिखित संविधान के बारे में बात करें तो लिखित संविधान जो है आप मतलब देखे पर मिली संसद में, ओला संसद के जो पुस्तकालय है, संसद के जो लाइब्रेरी है वहाँ सुरक्षित ओला हीलियम में रखे गए। तो भारत के संविधान में बारे में वैसे ज़्यादा उमा जो है विदेश के भी जो संविधान है ओकर जो विशेषता है ओला भी शामिल करे है, जैसे यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ सबके जो संविधान के जो विशेषता रही से ओला भी शामिल करके बनाया गया। और भारत के संविधान ला बनाने में काफ़ी समय लगे, 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन में जो है भारत के संविधान है वो प्रत्येक पेज में लिखे गई, तो 251 पेज में जो है संविधान लिखे गई से। और बात करें संविधान जब लागू हुई तो वहाँ 284 मेंबर जो रही सदस्य रही से ओकर मन के पूरा हस्ताक्षर जो है वो संविधान जो निर्माण कर रही से जो पेज में वो माँ सबके साइन रही से। तो काफ़ी सारा जो महत्वपूर्ण बात बात करना कि कतेक अनुच्छेद, तो लगभग अभी जैसे संशोधन होते तो 448 अनुच्छेद और 12 सूची जो है शामिल अभी तक के हुए हैं हमारे संविधान में। तो ये रही छोटे से, ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकन काबर कि
हम भी संविधान ला पूरा नहीं पढ़ पाहन तो ज़्यादा कुछ नहीं बता पाबो, लेकिन जो मुख्य मुख्य बातें रही से वोला कोशिश करे हैं कि हमारे ब्लॉग के माध्यम से आप मन तक पहुँचाए के। तो जरूर हमारे ब्लॉग ला सपोर्ट करो, जो हमारे चैनल में नवा हो वो हमारे चैनल ला सब्सक्राइब करो, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल ला क्या करना है, लाइक करना है। क्या करना है? लाइक। तो ये सब लइका हरे, तो आज का दिवस है हाँ संविधान दिवस है ना, और 26 जनवरी के कौन से दिवस, गणतंत्र दिवस के रूप में। ठीक, गुड। बाबा भीमराव अम्बेडकर ला जानते हो ना? जी हाँ। और बताओ मोला कि भीमराव अम्बेडकर जयंती कब मनाए जाते हैं? 14 अप्रैल के। और आज जो है 26 नवंबर जो है, 26 नवंबर का खास है आज जो है कि संविधान दिवस मनाया जाते हैं। और संविधान दिवस कब मनाया जाते हैं? तो संविधान हाँ अपनाए गिरी से, ठीक है। तो ओकर कारण से आज संविधान दिवस के रूप में मनाया जाते हैं।